हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप शायद आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज ये कुछ हल्का हल्का सा ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा प्रकृति का आपको नज़ारा, मौसम का मिजाज दिखाती हूँ। देखिए आज कुछ मौसम में राहत है, कभी कभी तो बहुत जरा सी बूंदाबांदी हो रही तो बहुत सड़ी गर्मी हो जा रही, कभी अच्छा हो जा रहा मौसम। रुद्रपुर में तो वैसे भी सब जगह बारिश से न क्या कहते हैं बाढ़ आती है, यहाँ पर सबसे लास्ट में ही बारिश का मिजाज बनता है, फिर आती है तो ताबड़ तोड़ आती है। ये देखिए प्रकृति का थोड़ी देर में मज़ा ले रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मेरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे होती है कि घर बैठे मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को घर में बैठे ब्लॉगिंग ज़्यादा आती नहीं है। तो कहीं जाती हूँ तो ये शादी ब्याह में तब तो बनी जाती है, एक मौका मिल जाता है, और घर बैठे मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ वो मुझे आ नहीं पाता है। तो देखती हूँ थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा। और देखिए बच्चों की आज छुट्टी है तो दोपहर में ये लोग खेल रहे हैं सारे बच्चे पार्क में, तो छुट्टी का आनंद ले रहे हैं ये लोग भी। ये देखिए देखिए, तो आपको थोड़े से प्रकृति का भी वो दिखा देती हूँ सौंदर्य। हमारे यहाँ सब गमले हम लोगों ने लगाए हैं, सभी गमलों में हमने प्यूरीफाई हवा को जो प्यूरीफाई करते हैं ऐसे पौधे लगाए हैं। और फूलों के तो हमने लगाए नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है इसी तरह के पेड़ पौधे लगाने का। तो ये देखिए, और ये देखिए सामने ही बेल पत्र का पेड़ है, इसमें बहुत ही बेल पूरा पेड़ लगा हुआ था, आजकल ख़त्म हो चुके, एक भी नहीं दिख रहा, शायद सभी तोड़ के ले गए। हमने भी बहुत बेल खाई इससे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी थोड़ी हवा चली हुई है। तो आज की ब्लॉगिंग हमारी शुरू हो गई, नानी और नातिन की गपशप चलेगी आज। तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। आपने नाश्ता कर लिया? अभी नहीं। अभी नहीं करा, नाश्ता ही नहीं किया? नहीं। झूठी। खाना क्या क्या खा लिया अभी तक बताओ जरा सच सच। चॉकलेट खाई, खाली बस। हाँ। तो राजमा चावल भी, दो चीजें खाली। अच्छा अच्छा, दो चीज। कभी कभी बहुत झूठ बोलती है ये, पता है, बहुत झूठी भी है और बहुत सच्ची भी है ये, बहुत सच्ची बच्ची भी है ये। और बताओ, इसको देखो, इसका घर देखो जरा, सामने कुर्सियाँ जितनी हैं सारी बेड पे, आधा बेड घेर दिया है कि सोने के लिए भी जगह बनानी पड़ती शाम को। इसके ऐसे खेल है, सारा दिन इस पर ही नाचती रहती है कुर्सियों के ऊपर। तो आपको क्या क्या आता है बाबू? मेरी बाबू है श्री राम जान। हाँ सुनाओ, 1 2 3 कोई कोई चीज़ जो भी आती है आप सुनाओ। जल्दी, अच्छा मैं 1 2 3 सुना दो आप सभी को। मुझे मन से गाने, आपने मन से श्री राम जान की बोलो। अरे मैं अपने मन, चलो बिल्कुल, आज कह रही कि मैं अपने मन से सुनाती हूँ, देखिए क्या सुनाती है। आप बच्चा है सुन लीजिए आप भी, आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। सुनाओ। मेरे दिल दे, दिल दे, दिल के मेरे दिल के। ओहो, मेरे दिल के वाले गाना गा रही है, हमें तो आता भी नहीं भैया, हम तो पुराने जमाने के, तो आजकल नए नए जमाने के गाने सुनिए बच्चों से। और हाँ, लाइक कर देना जरूर। नहीं नहीं, हैबिटें सुन देखिए इन लोगों की, बच्चों की लाइक कर देना जरूर, लाइक जरूर कर देना बोल रही है। देखिए जरूर आपको लाइक कर देंगे। और सुनाओ कुछ, और सुना दो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित। अच्छा, आपको, आपको, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? नानी माँ। अच्छा, नानी माँ। नानी माँ के सामने नानी माँ, दादी माँ के सामने दादी माँ, मम्मी के सामने मम्मी, भैया पिंकी मम्मी। और बहुत अच्छी बच्ची है बहुत, ये इसमें मतलब बहुत हुनर है कि किसी का दिल नहीं दुखाती है और सबके मन किसी बोल देती, मतलब ये हुनर भी बहुत बड़ी बात है बच्चे की, क्योंकि बड़े बड़े भी ये नहीं कर सकते, इस तरह का है इसका नेचर है।
बहुत अच्छी है, हमारा मन इससे बहुत लगा रहता है। आज तो स्कूल गई नहीं, मस्ती करी, छुट्टी है, खुश हो जाती है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू। अच्छा और कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जलाते दिवाली मैं बनाऊंगी तेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। हाँ मिट जाएंगे, मुझे बता रही है मिट जाएंगे। और हमारी बाबू का त्रिशूल ये हर समय किसी के साथ रहता है जब तक यहाँ पर रहती है। ये त्रिशूल माता रानी का देखो, और भी है। वो कुर्सी सामने नीली रंग की जो दिख रही है उसी पे बैठी रहती है सारा दिन, यहीं से बस सामने मोबाइल देखती रहती है। क्या देखती है वो? अब हमारी बाबू दोपहर का खाना खाने लगे। क्या खा रही हो बाबू? खिचड़ी। कैसी लगती है आपको खिचड़ी? अच्छी। अच्छा तो आप पूरा खा लोगे ना? हाँ। फिर इसके बाद क्या करोगे? सोऊंगी। फिर इसके बाद सोएगी, वही तो इसके बाद सोएगी, इसका 2 बजे सोने का रूटीन है। देखो इसका आसन देखो, ये क्या देखती हो टीवी में आप हर समय? हर समय लाल बच्चों वाली आंखों का ही देखते जाते हैं। हाँ ये लाल बच्चों मुझे की बहुत पसंद आता है। हाँ इसको लाल बच्चों की आंखों वाला पता नहीं क्या है, वो कार्टून एक वही देखती रहती है और कहती है सारा दिन लाल बच्चों की आंखों वाला लगाओ, लाल बच्चों की आंखों वाला लगाओ। अब ये तो आजकल की जेनरेशन को ही पता होगा, तो बाय बाय बोल दो आप। बाय बाय नानी नाती। मुझे अगले भी कुछ कहना था। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैं बोल रही हूँ कि टीवी ये देखती हूँ लेकिन मन नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। दिमाग खा देती है सारा दिन, मन भी बहलाए रखती है और कभी कभी बोलने को दिल नहीं करता है तो दिमाग भी बहुत कर देती है नानी माँ का। हमारी नानी माँ है ये छोटी छोटी सी। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आप लोगों ने सुनी ली होगी नानी नातिन की बातें, क्योंकि अभी ये पता क्या वैसे बहुत बोलती है लेकिन अभी ये सामने वीडियो पे एकदम से खुल के नहीं बोलती, वैसे तो खूब दिन भर मस्ती करती है। तो बाय बाय श्री राम, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। अगली वीडियो पे ब्लॉग बनाते हैं। हाँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और प्ले बटन भी दे देना। इसको प्ले बटन दे देना भैया, छोटा सा गुबी। इसको बहुत शौक है प्ले बटन का, तो इसलिए प्ले बटन की आप कोशिश हमारे लिए जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में ब्लॉग बनाएंगे ना अनिमा। हाँ ठीक ओके बाय बाय।